हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशास कुक बुक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल कबाब की रेसिपी। ये कबाब स्प्राउट्स के बने हुए हैं। वैसे तो दालें प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन जब उन्हीं दालों में से स्प्राउट्स निकल आते हैं तो ये हाई प्रोटीन का बेस्ट सोर्स बन जाती हैं। स्प्राउटेड दालों में प्रोटीन लेवल तो इंक्रीज़ होता ही है, साथ ही साथ वो मिनरल और फाइबर रिच भी हो जाती हैं। वैसे तो हम स्प्राउट्स को एज अ सैलेड खाते हैं, लेकिन आज मैं इसके कबाब बना रही हूँ। उसके लिए देखिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। आइए तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। स्प्राउट्स कबाब बनाने के लिए मैंने ड्राई पीस लिए हैं, जिन्हें सफ़ेद मटर या वाइट पीस भी बोलते हैं। वैसे तो दालों में एक दो दिन में ही स्प्राउट्स निकल आते हैं, लेकिन अगर इन्हें थोड़े लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो इन स्प्राउट्स में एक नेचुरल स्वीटनेस इंक्रीज़ हो जाती है। इन स्प्राउटेड सूखे मटर को हमें बिना पानी ऐड किए हुए मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेना है। बहुत फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, कोर्सली ग्राइंड पेस्ट चाहिए। अब हम इस पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसमें 1 टेबल स्पून सेमोलिना यानी सूजी ऐड कर लेंगे। आप इसमें मोटी या बारीक कोई भी सूजी ऐड कर सकती हैं, जो भी इजीली आपके घर में अवेलेबल हो। मैंने इसमें सूजी इसलिए मिलाई है ताकि जब हम कबाब को बिना ऑयल के रोस्ट करेंगे तो ये सूजी उसे एक बहुत अच्छा कलर देगी। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे एक बार फिर से मिक्स करेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा उसे भी सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे। वैसे तो अनियन हर कबाब में फ़्लेवर इंक्रीज़ करता है, लेकिन अगर आप अनियन नहीं खाती हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून फाइन चॉप्ड कैप्सिकम ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ग्रेटेड गाजर ऐड करेंगे। आप गाजर इसमें लाल या ऑरेंज सैलेड वाली कोई भी यूज़ कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे और मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक ग्रेट करके ली है। 2 से 3 फाइन चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ हैं और अगर आप चाहें तो इन सब की जगह पे आप 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर सकती हैं। इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। अगर आपके पास नींबू का रस अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। अब हम इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इन सारे स्पाइसेस को और वेजिटेबल्स को इस स्प्राउटेड कबाब के मिक्स में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इस समय सॉल्ट चेक कर सकती हैं, अगर कम या ज़्यादा हो तो उसे मैनेज कर सकती हैं। अब हमारा स्प्राउट्स कबाब मिक्स तैयार है। आइए तो अब हम कबाब को रोस्ट करते हैं। एक नॉन स्टिक पैन मीडियम फ्लेम पर रख लें। इसमें 1/2 टीस्पून ऑयल डालें। ये ऑयल हम सिर्फ पैन को ग्रीस करने के लिए डालेंगे, कबाब को रोस्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि हम अपने स्प्राउट्स के कबाब पानी में रोस्ट करेंगे। बस पैन को ग्रीस कर लें और इसमें कबाब अरेंज कर लें। अगर आप सोच रही हैं कि पानी में कबाब कैसे रोस्ट होंगे, तो ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। पैन में कबाब अरेंज करने के बाद हम उसमें 2 टीस्पून ड्रिंकिंग वाटर ऐड कर देंगे और पैन को कवर कर देंगे। अगर लिड में कोई भी होल है तो उसे टूथपिक की हेल्प से बंद कर देंगे, ताकि अंदर पानी की वजह से जो स्टीम बन रही है उसमें हमारे कबाब बहुत अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएं। 2 मिनट के बाद
हम कवर हटाकर 2 से 3 टीस्पून पानी फिर से पोर करेंगे और पैन को 2 से 3 मिनट के लिए फिर से कवर करके रख देंगे। पानी की वजह से पैन में जो स्टीम बन रही है उस स्टीम में स्प्राउट्स कबाब अंदर तक बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और सूजी की वजह से उनमें एक बहुत अच्छा गोल्डन कलर भी आ जाएगा और वो थोड़े से क्रिस्प भी हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट एक साइड रोस्ट होने के बाद सारे कबाब को पलटकर हम सेम मेथड से दूसरी साइड भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। कबाब को दूसरी साइड रोस्ट करने के लिए भी 2 से 3 टीस्पून ड्रिंकिंग वाटर पोर करेंगे और पैन को कुछ मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। आप सोच रहे होंगे तो इससे अच्छा क्यों ना हम कबाब को स्टीम ही कर लें, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे हमारा कबाब का कलर ऐसा गोल्डन ब्राउन नहीं आएगा। स्टीम कबाब खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे और अगर आप इन्हें ऑयल डाल के भी रोस्ट करेंगी तब भी इनका फ्लेवर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप इन कबाब को इसी मेथड से रोस्ट करिए और उसके बाद मुझे बताइए कि ये कबाब आपको कैसे लगे। वैसे तो स्प्राउट्स को कुक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्प्राउट्स को एज अ सैलेड खा खा कर बोर हो गए हैं तो आप प्लीज़ एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताइए कि आपको स्प्राउट्स के कबाब इस मेथड से कैसे लगे। स्प्राउट्स कबाब का ये कलर देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये पानी में रोस्ट किए हुए कबाब हैं। आपने देखा कि मैंने इन कबाब को रोस्ट करने के लिए पूरी रेसिपी में कहीं भी ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और मैंने स्टार्टिंग में जो 1/2 टीस्पून ऑयल यूज़ किया है वो सिर्फ़ पैन को ग्रीस करने के लिए किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रही हैं तो रेसिपी से रिलेटेड फीडबैक आप कॉमेंट्स के थ्रू मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और हेल्दी रेसिपीज़ ला सकूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।